हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत ठीक है, खुश है। मैं भी ठीक हूँ। और ये जो वीडियो है ना, मैं एक साल बाद डाल रही हूँ। मतलब क्या कर सकते हैं, एक साल से मैं इतनी बिजी थी क्योंकि मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला था, तो सारा जो मतलब मेरा फोकस है ना, उसी में गए थे। तो इसीलिए मैं ये व्लॉगिंग जो है ना, कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे एक साथ तीन चार चीज़ें नहीं करना आता है। तो इसीलिए एक साल से कुछ भी वीडियो नहीं डाली। एंड आज जो है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है, क्योंकि आज ही के दिन मेरी जो रेस्टोरेंट है ना, उसका एक साल होने वाला है। तो उसी खुशी में मैंने सोचा कि आज से व्लॉगिंग भी कंटिन्यू किया जाए, है ना। तो यार, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए रेस्टोरेंट में, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और इसकी मेन रीज़न है मेरी फैमिली एंड माई क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे हिम्मत हारने का मौका ही नहीं दिया था। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है ना, इतना सपोर्ट किया है कि आज जो भी मैंने थोड़ी बहुत अचीव किया है ना, उनकी वजह से ही किया है। एंड थैंक यू सो मच जो जो ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड अभी हम जाएंगे, केक लाएंगे, केक कट करेंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत आप लोगों का रेस्टोरेंट का टूर भी कराऊंगी। एंड आज से सोच रही हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट एक या दो बार वीडियो भी डालूँ, है ना। थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाऊंगी कैफ़े का, मतलब कैसे हम चलाते हैं। तो यार, दैट्स इट। बहुत सारी बातें होते हैं, लेकिन जब भी मैं कैमरा ओपन करती हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो अभी हम जाएंगे केक लाने, एंड उसके बाद आपको दिखाऊंगी सीधा रेस्टोरेंट में। तो ये हमने लाया है केक, एक क्यूट सा व्हाइट फॉरेस्ट केक, एंड साथ में मैंने बनाना ब्रेड भी लाई थी। एंड यार, अब हम केक कट करेंगे। एंड थोड़ा सा हमने ना बैलून वगैरह से भी डेकोरेट किया है, और उसमें हमने ऐसी कुछ चिप डाली थी, तो उसको बस इसी अभी हम फोड़ने वाले हैं, मतलब फोड़ लिया है ऑलरेडी। तो यार, लेट्स सी, उसके बाद हम कटने वाले हैं केक। ये रहा मेरा पूरा टीम। यहाँ पे कुछ लोग मिसिंग हैं जो घर गए हैं, तो मैंने उनको बोला वीडियो कॉल में रहे और हम साथ में केक कटने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरा स्टाफ भी है, तो हम सब साथ मिल के केक कट लिया। एंड बहुत ही एक इमोशनल वो होता है, जर्नी होता है, जो आप महसूस कर सकते हो बट आप कह नहीं पाते हो। तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा था। एक साल कैसे बीत गया समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि कल की बात है, हमने खोली थी रेस्टोरेंट, इंजॉय की, पैनिक अटैक, स्लीपलेस नाइट, बहुत बहुत ही कुछ था। लेकिन आज जब एक साल मतलब ऐसे मुड़ के देखती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है कि या हमने कर दिखाया जो जो मतलब हमने सोचा था, हमने कर दिखाया। तो ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, हमारे रेस्टोरेंट को सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम और मेहनत कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों में। तो अभी हम दिखाएंगे कुछ थोड़ी सी क्लिप। ये रहा जब मेरा रेस्टोरेंट बन रहा था, तो इसका छोटा सा क्लिप मैंने रख लिया था ताकि मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ये रहा ओपनिंग का दिन, जिस दिन यहाँ के जो मिनिस्टर है वो आया था हमारे ओपनिंग में, एंड उन्होंने ओपन किया था। साथ में मेरे फैमिलीज एंड माई फ्रेंड्स सब लोग थे। बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन था वो दिन। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे देखो मेरा हालत, ऐसे हमने शॉपिंग करी थी, दुकान की सामान लिया था। एंड उसके बाद मेनू टेस्टिंग हुआ, कुछ कुछ बनाया हमने, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब बनाया, टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ। बस ऐसे ही कैसे गुजर गया एक साल पता भी नहीं चला। तो आई होप कि ऐसे ही और भी दिन बीते जाए, हम मेहनत करें, सक्सेसफुल बन जाए। यही मेरी मतलब मन का क्या बोलते हैं, विश है, यही मेरी विश है। तो यार, दैट्स इट। Thank you.
तो ये रहा मेरा पूरा फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, जिनकी वजह से मैं मतलब अचीव कर पा रही हूँ एंड ये केक आप लोगों के लिए। एंड अगर मेरा चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।